तो केंद्र के बाद मध्य प्रदेश का भी बजट आना है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो विधानसभा में नवाचारों के लिए इस बार विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जो है वो खास सुर्खियों में रहे हैं, और हमारे साथ इस वक्त रीवा में मौजूद है उनके निवास पर, और गिरीश गौतम से कुछ बात करेंगे। तो सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार बजट सत्र के लिए विधानसभा में अभी तक जो देखा, पिछली बार जब विधानसभा लगी तब नए नवाचार के साथ जो है आपने एक अनुशासन का वो दिया था वहां पर कि अनुशासन के साथ विधानसभा चलनी चाहिए, तो इस बार नया क्या? विधानसभा में हर बार मैं इस बात का प्रयास करता हूं कि कुछ नए प्रयोगों को शुरू किया जाए जो एक तो विधायकों के हित में हो, विधानसभा के हित में हो और जनता के हित में हो। इसलिए उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जैसे हमारे नए विधायक आए उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, इसलिए मैंने ये शुरू किया कि एक दिन केवल प्रथम बार के विधायकों का ही प्रश्न लेंगे, दूसरे का नहीं लेंगे। इसी तरह से महिलाओं का है, मैंने ये कहा कि उनका भी एक दिन रहेगा, और इसलिए उनको भी पीठासीन अधिकारी बना करके दिन भर संचालन करवाया उनसे। हमारा मतलब ये था कि यदि हम कहते हैं कि आधी आबादी उनकी है, तो विधानसभा में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व यदि हम 50% करके नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम विधानसभा के जो पीठासीन अधिकारी की जो कुर्सी होती है उसमें भी उनको संचालन का अवसर मिले, जिससे उनको लगे कि नहीं, हमारी भी शक्ति को पहचाना जाता है, और हमको भी अवसर जब मिलता है तो दो बातें होती है, एक तो उनको अवसर मिलना, वो देने का काम मैं करता हूँ, और उनके शक्ति का वो दिखाना कि वो भी सब संचालन कर सकती हैं, वो भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, ये उन पर रहता है। और मुझे अच्छा लगा जब मैंने देखा कि उनने हमारे विश्वास को, ऐसा लगा कि जो हमारा विश्वास था उसको पूरा किया उन्होंने, और बेहतरीन संचालन जो हो सकता था वो करने का प्रयास किया। इसीलिए इसी तरह के नए नए नवाचार करते रहने का प्रयास करता हूँ। विधायकों की ज़्यादा भागीदारी हो, क्योंकि विधायक की भागीदारी का मतलब होता है कि जनता की भागीदारी। विधायक अपना कोई सवाल लगाता नहीं, जनता की समस्याओं से जुड़े सवालों को विधानसभा के भीतर प्रस्तुतिकरण करता है, क्योंकि हर जनता की अभिव्यक्ति विधानसभा में नहीं हो सकती, इसलिए उसका माध्यम क्या है? विधायक है। जनता की अभिव्यक्ति का विधानसभा के भीतर कोई प्रतिबिंबित करने वाला व्यक्ति होता है तो विधायक होता है। तो उसको अवसर देना, उसको अवसर देने का मतलब कि मध्य प्रदेश की जनता को अवसर उसकी बात कहने का वहाँ मिलता है। इस तरह के नवाचारों के साथ विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है, और कई सालों से आपने देखा होगा जो इस बार अभी इस सत्र में, हालांकि 5 ही दिन का था, पर हमेशा ये होता था कि 5 दिन को जो हम घोषित करते थे पूरे दिन हम नहीं ले जा पाते थे। इस बार कई सालों बाद पहली बार हुआ है कि 5 दिन का सत्र था, हमने 5 दिन पूरा चलाया। SC/ST के लिए अलग समिति थी और यहाँ पर OBC के लिए अलग समिति थी, ये क्या भूमिका निभाएंगे आगे? कुल मिलाकर के आप दोनों के हितों का देखें तो उनका एकदम से अलग शीर्ष है, उनका अलग सब कुछ है, SC का, ST का, और पिछड़ा वर्ग का अलग है। दोनों की संयुक्त कमेटियां थी, प्रतिनिधि दोनों का, पर जिस तरह का एक उद्देश्य की पूर्ति हम चाहते हैं कि कमेटियों के माध्यम से उस वर्ग के लिए हो, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि पिछड़ा वर्ग की समिति एकदम तनहा अलग हो जाए, और इसीलिए उसको बनाने का प्रयास किया। वो कमेटी बन गई, उसके अध्यक्ष जालम सिंह जी हैं, और अभी 2 तारीख को मैंने अभी टेलीफोन मैंने किया है कि 2 तारीख को उनकी पहली बैठक बुला लो, जिसे सत्र के पहले उनकी बैठक हो जाए, तो पिछड़ा वर्ग के हितों को सरकार से मिलने वाला जो भी राशि आती उसका ठीक से क्रियान्वयन हो सके, विधानसभा स्तर पर देख रेख हो सके उसको, इसलिए उस समिति का अलग निर्माण किया जाना आवश्यकता था, और ये भी एक नया आचार है। कुछ समय पहले सर विधानसभा अध्यक्षों को सम्मेलन हुआ था, उसमें आपने भी शिरकत की थी, ऐसे में वहाँ से क्या कोई नई लाइन खुली है? 3-4 चीजों का बड़ा सवाल आया था वहाँ। एक तो यह आया है कि विधानसभा के चलने के होते दिन कम होते जा रहे हैं, इसमें सारे पीठासीन अधिकारियों की चिंता का विषय था। हमारे जो लोकसभा के स्पीकर साहब थे वो इसमें चिंतित थे, इसको कैसे करना। तो अंततः गत्ता एक इस तरह का प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव में सबकी सहमत थी कि कोई मिनिमम दिन निर्धारित किया जाए कि इससे कम विधानसभा या लोकसभा को नहीं चलाया जाना। अंततः गत्ता इस तरह का विचार आया कि लोकसभा कम से कम 100 दिन चले साल में, 90 दिन बड़ी विधानसभाएं चले जो 200 के आसपास या उससे ज्यादा है, छोटी विधानसभा 90 की हो, 60 की हो, इन विधानसभाओं के लिए 60 दिन मिनिमम किया जाए। दूसरा ये था कि अभी विधानसभा के सत्र के अवसान के बाद उसके नई विधानसभा बुलाने का जो कंपल्शन है संवैधानिक, 60 दिन का है, उसको भी संशोधन करके उसका 3 महीने कर दिया है कि 90 दिन में हर हालत में विधानसभा को आहूत किया जाना चाहिए।
तो 100 दिन चलना, 90 दिन चलना, 60 दिन चलना, और प्रत्येक बार 3 महीने के भीतर बाध्यता हो कि 3 महीने के अंदर ही उस विधानसभा को, मंडल को बुलाया जाना। एक तो ये प्रस्ताव हुआ। दूसरा ये हुआ कि अभी विधानसभा को बजट जो है, बजट विधानसभा को मिलता है, काफी लंबा चौड़ा बजट मिलता है, क्योंकि एक अलग एक तरह के आप ये समझ सकते हो कि अलग एक संस्था के स्वरूप में वो विधानसभा रहती है, स्वयं की एक संस्था है। लोकसभा के भीतर ये है कि उनका खुद का वित्त विभाग उनका स्वयं का है, उसमें वित्त विभाग होने के कारण उनको पैसा मिलने के बाद उसका खर्चा विधानसभा लोकसभा के स्तर पर वो तय करते हैं कि किन मदों में हमको पैसा कहाँ खर्चा करना। उसी तरह से पूरे विधानसभा के स्पीकर्स की राय ये थी कि हमको उसी तरह की स्वायत्तता मिले, विधानसभा में स्ववित्त का प्रावधान हो, हम अपना प्लान बनावें, हम अपनी योजना बनावें, अपने अनुसार हम जो भी हो सकता है वो करने का प्रयास करें। एक आम सहमति का ये भी एक बना। तीसरा ये था कि कई बार विधानसभाएं इस कारण नहीं चल पाती कि उसमें ज़्यादा शोर शराबा हल्ला गुल्ला होता है, जिसके कारण कई विषय जो है जनता को छूट जाते हैं, जिनको विधानसभा के पटल पर आना चाहिए वो नहीं आ पाते हैं। तो उसमें भी लगभग लगभग अलग अलग दिशा से राय एक बनती जा रही थी, और वो राय यही थी कि एक तो जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है वो गर्भगृह में आने की बेल में, और इसीलिए मैंने जब ये प्रस्ताव किया कि बेल का हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते, क्योंकि विधायक का अधिकार है वो। कई अवसर पर लोकसभा में भी चर्चा में आया, विधानसभाओं में भी चर्चा में आता है, उसके उस राइट को हम कट ऑफ में काट नहीं सकते, उसको अलग नहीं कर सकते, परंतु आग्रह ये कर सकते हैं दलों से कि वो इस बात का प्रयास करें कि बेल में आने को बतौर अंतिम अस्त्र प्रयोग करें, ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं, और हर बार हमें उसी का प्रयोग करेंगे, छोटी सी बात होती है बेल में आ जाना, छोटी सी बात हुई फिर बेल में आ जाना, उससे वो ब्रह्मास्त्र का जो धार है वो धीमी हो जाएगी। और जैसा अब आजकल बहिर्गमन का कोई महत्व नहीं है, हल्ला गुल्ला का कोई महत्व नहीं है, आगे चलकर भी ब्रह्मास्त्र का भी महत्व घटता चला जाएगा, तो जो हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है वही कमजोर हो जाएगा विधानसभा के दृष्टिकोण से। तो इस पर भी लगभग लगभग एक आम सहमति स्वरूप था उसका कि हमको सबको मिलकर के ऐसा करना चाहिए। दूसरा ये था कि विधायकों के कई सवाल इस तरह के आते हैं, तो हमने एक नया चार अभी सत्र में मैंने शुरू किया। होता यह है कि विधायक आता है वहां पर और जब प्रश्नों को पूछता है तो कई बार अध्ययन करके तो आता, हम ऐसा नहीं कहते, पर उसको ऐसा लगता है कि उस प्रश्न के साथ उसकी राजनीतिक जो भाषा है वो भी चला जाए उसी प्रश्न में, ऐसा करके उसके मन के भीतर आता है। इसीलिए वो प्रश्न को पूछने की जगह में वो प्रयास ये करता है कि उसकी भूमिका बनावे, और भूमिका बना करके तब क्वेश्चन पूछे, और इसमें उसको बहुत समय लगता है। 25 का हम तय करते हैं कि 1 घंटे में 25 प्रश्नों का निपटारा करना, 25 विधायकों को पूछने देना। अब एक विधायक 10 से 15 मिनट ले लेता है तो पता चला है कि 5, 7, 8 इससे ज्यादा हम बढ़ ही नहीं पाते। तो हमने इस बात का ये प्रयास किया वहां पर कि अब हम उन प्रश्नों को पढ़ने नहीं देंगे और मंत्री को भी उत्तर नहीं पढ़ने देंगे, ना विधायक पढ़ेगा प्रश्न को और ना मंत्री, क्योंकि प्रश्न लिखा हुआ आता है और उसका उत्तर लिखा हुआ आता है। तो पहले से तय है कि उस उत्तर को पढ़ो, अपने प्रश्न को पढ़ो, और उसमें क्या आपके पूरक प्रश्न बन सकते हो, पॉइंटेड क्वेश्चन पूछना, आपका जो उत्तर